दोस्तों, अभी हम जो है ना ट्राई करेंगे चना चाट, फ्रूट क्रीम चाट और दही भल्ले और गोलगप्पे। और इसके लिए हम मौजूद हैं एक दफ़ा फिर से साकिब भाई के साथ। साकिब भाई जो है ना हमें जो है ना वो सारा बाउल वगैरह बना के बताएंगे। जी साकिब भाई, बताएं ज़रा सिलसिला। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे जी? दही भल्ले। दही भल्ले बनाएंगे। इन भल्लों की स्पेशलिटी? ये भल्ला जो है बाजारी नहीं है, ठीक अच्छा खुद हाथ से बनाया गया घर का भल्ला। अच्छा घर का बना, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अब ऊपर रायता? ये दही है। अच्छा दही है, सिंपल दही है। ये आलू आ गए और ये बूंदी आ गई हमारे पास, और साथ में जो है ना ये सैलड है। सलाद। अच्छा सैलड है। फिर से हम एक अदद जो है ना वो दही की लेयर आ जाएगी। ये हाँ, वो टेस्टी चटनियाँ भी हैं। ग्रीन चटनी जी, वाह। अच्छा मीठी चटनी है, आलू बुखारे। आलू बुखार की मीठी चटनी, वाह। अच्छा मसाला के भाई ने बड़े बेहतरीन से ऊपर पापड़ी भी डाल दी है हमारे लिए, तो इसको हम बाद में ट्राई करेंगे। फ़िलहाल हम जो है ना इनसे तैयार करवाते हैं नेक्स्ट चीज़। अच्छा साकिब भाई, अब हम कौन सी चीज़ बनाएंगे? चना चाट बनाएंगे। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे? अच्छा चने, लोबिया, आलू, ये मिक्स है। साथ में उसी तरह बूंदी डालेंगे जो हम जो है ना वो दही भले में डालते हैं। साथ में सैलड आ जाएगा। अच्छा चना चाट में ये दो चीज़ें डालती हैं जो आपने मिक्स करके रखा हुआ है। बाकी मटेरियल मिक्स है। अच्छा बाकी मटेरियल मिक्स है, सिर्फ बूंदी एक एक्स्ट्रा डाल देते हैं, बाकी चीज़ें मिक्स पड़ी हुई हैं। सही सही सही। दही तो एज़ यूजल डलेगा। ये भी घर में तैयार किया हुआ है? नहीं, किसी मार्केट। अच्छा मतलब मार्केट से जो चीज़ें मिली उनसे बेहतर है माशाल्लाह। नहीं इसका जो है ना वो गाढ़ापन बता रहा है। साकिब भाई अब हम क्या चीज़ बनाएंगे अभी? फ्रूट चाट बनाएंगे। अच्छा फ्रूट चाट बनाएंगे। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं फ्रूट के? इसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट हैं, अंगूर है, लीची है, पाइनएप्पल है, अंगूर अमरूद है, एप्पल है, सेब है। बनाना अलग रखा हुआ हमने, वो अलग काट के डालते हैं। हाँ नहीं बनाना वाकई एक बड़ा अच्छा काम करते हैं, वरना उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये सारा फ्रूट जो है ना ऑलरेडी रेडी है इसमें। ये सारा फ्रूट है इसमें, ये भी नहीं जी हमजा लेके आया है केले, और ये जो है ना अलग से वो रखे होते हैं उन्होंने। ये बड़ा ज़बरदस्त काम है, बेहतरीन किस्म की जो है ना वो फ्रूट चाट जो है तैयार हो गई है। अब जो क्रीम है ना वो साकिब का ये कहते हैं कि हम वो स्पेशल क्रीम है, वो हम बता नहीं सकते। सिर्फ ये लें जी, साकिब भाई ने इसके ऊपर स्पेशल क्रीम डाल दी है, तो अभी देखते हैं साकिब भाई इसके साथ और क्या सलूक करते हैं फ्रूट चाट के साथ। अच्छा चाटियों के साथ चार चांद लगेंगे माशाल्लाह। ये जी इस पर भी वही सेम चटनी डल गई है, मीठी चटनी। साकिब भाई ने इसके ऊपर जो है ना वो स्पेशल ड्राई फ्रूट डाल दिया। ड्राई फ्रूट में जो है ना वो इन्होंने बादाम डाले हैं और पिस्ता वगैरह डाला है, जो कि मेरे ख्याल में एक नई चीज़ है और एक अलग टेस्ट बनाएगा क्रीमी फ्रूट चाट का। जी साकिब भाई अब हम क्या चीज़ बनाएँगे? गोलगप्पे बनाने के लिए खड़े हैं तैयार। अच्छा गोलगप्पे के लिए ये सिर्फ साथ में दिखाएं। गोलगप्पे का मटेरियल तैयार करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें डाल रहे हैं आप? चने डाल रहा हूं, आलू डाल रहा हूं। अच्छा बूंदी हो गई, चने, आलू, बूंदी और मेरी जो है ना फेवरेट स्पेशल चटनी है ग्रीन चटनी जो है। चाट मसाला आ गया। और अभी हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा मिक्स करेंगे इसको, ये मिक्स हो गया। अच्छा गोलगप्पों की फिलिंग इससे करेंगे। अच्छा अच्छा
अक्सर जगहों में देखा गया है कि जो ना वो सिर्फ चने डाल के दे देते हैं, लेकिन आप एक किस्म की समझे कि बड़ा हेल्दी किस्म का जो है ना वो गोलगप्पा बना के दे रहे हैं। ये देखें जी, बेहतरीन किस्म के जो है ना वो तैयार हैं, और इसमें आखिर में जो रहेगा दही, ये चीज, और साथ में इसमें ऊपर चटनी आ जाएगी, और ये दूसरी आलू बुखारे की चटनी आ गई। ये जी हमारे पास बहुत ही बेहतरीन किस्म के गोलगप्पे तैयार हो चुके हैं, और उसके ऊपर आ गया लास्ट में दोबारा से हल्का हल्का चाट मसाला। ठीक है जी, अभी हम इसको जो है ना वो सारे सिलसिले को ट्राई करेंगे और फिर आपको बताते हैं सिलसिला कैसा है। तो दोस्तों, हमने साकिब भाई से जो है ना वो कुछ चीज़ें तैयार करवाई हैं, जिनमें फ्रूट चाट, क्रीमी फ्रूट चाट है हमारे पास, दही बल्ले हैं और गोलगप्पे हैं, और चना चाट का मैंने आपको बता दिया जिस तरह का उसका सिलसिला कैसा है। तो मैंने कहा दोनों में से एक चीज़ हो जानी चाहिए, लेकिन यह है कि उसका टेस्ट भी मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि उसका टेस्ट कैसा है। फिलहाल हम गोलगप्पे ट्राई करेंगे, उसको देखते हैं क्या सिलसिला है। गोलगप्पे के साथ ये ज़बरदस्त स्पेशल पानी है हमारे पास, और ये फ़िलहाल गोलगप्पा जो है ना वो अपनी ताकत के साथ भरा हुआ है, इसमें सारा कुछ चाट वगैरह है। हम ट्राई करेंगे इसको, बिस्मिल्लाह। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, बूंदी का अलग टेस्ट आ रहा है, और साथ में जो है ना वो कुछ खट्टा है, क्योंकि खट्टी चटनी भी हमारे पास है, और साथ में जो है ना हमारे पास मीठी चटनी का भी टेस्ट है। ठीक है, अभी हम ये ट्राई करते हैं और साथ पानी ट्राई करते हैं कि पानी में क्या होगा। बहुत ही आला पानी भी, बहुत ही अच्छा जायका है। लड़कियों की स्पेशल पसंद भाई, बहुत ही खट्टा जो है ना, टेस्टी किस्म का जो है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ, और बड़ा अच्छा जो है ना वो उसमें इमली का और मसालों का टेस्ट आ रहा है। माशाल्लाह बड़ा खट्टा है, मतलब यह कि समझे कि आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त गोलगप्पों के वसा आने से टेस्ट में बहुत ही अच्छा है। अब हम दही भल्ले जो है ना वो ट्राई करते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आलू, चने, बूंदी और स्पेशल इनके घर का बना हुआ जो है ना भल्ला है, फिर ऊपर इन्होंने पापड़ी डाली हुई है। ठीक है, उसमें मसाले वगैरह डाले हुए हैं। देखिए दही भल्ला जो है ना ज़बरदस्त जो है ना उसकी खुशबू आ रही है, तो खुशबू ही इसकी जो है ना वो बता रही है कि यार इसका टेस्ट जो है ना वो बता मज़ेदार होगा। इसको हम ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त। आप सोच रहे होंगे यार सारी चीज़ों को काफ़ी ज़बरदस्त कह रहा है, लेकिन यार हकीकतन हर चीज़ का जो है ना वो टेस्ट बहुत अच्छा है। आपको जो है ना वो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, और यहाँ पे जो है ना ये भल्ला जो है बाज़ार से मैंने दही भल्ले खाए हैं काफ़ी जगह से, लेकिन ये जो भल्ले हैं ना इनका अलग टेस्ट है। मतलब ये है कि ये वाकई ऐसा लग रहा है, आपको अलग सा फील करेगा, आपको पता चल जाएगा ये वाकई घर के बने हुए भल्ले हैं। ये बहुत ही माशाल्लाह अच्छे हैं। माशाल्लाह अब हम फ्रूट चाट ट्राई करेंगे, वो भी क्रीमी फ्रूट चाट। ये क्रीमी फ्रूट चाट आ गई हमारे पास, और क्रीमी फ्रूट चाट के ऊपर जैसे लवाजमा मैंने आपको बताया था, केला है, मिक्स फ्रूट है, इसमें जो है ना अंगूर हैं, सेब है। ठीक है, और आखिर में जो है ना इन्होंने माशाल्लाह बादाम और जो है ना वो पिस्ते का टेस्ट भी डाला है, ऊपर उन्होंने केला फ्रेश निकाल के जो है ना वो कटिंग करके डाला है। उनका कहना है कि केला जो है ना वो अगर फ्रेश ना हो ना तो ब्लैक हो जाता है, ये आपको पता है वो टेस्ट नहीं रहता, और उसके ऊपर उन्होंने स्पेशल क्रीम डाली है अपनी। आई डोंट नो उसमें क्या डाला है, इन्होंने बताया कुछ नहीं है। बहरहाल ये है कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी होगी। बहरहाल मैं अभी फ्रूट चाट ट्राई कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अलग टेस्ट और ज़बरदस्त जायका अमरूद का, अभी बादाम आया मेरे दांत के नीचे,
केला उसके साथ हमारे, और पाइन एप्पल बड़ा टेस्ट डेवलप कर रहा है। उसमें जो पाइन एप्पल डाला है वो बहुत ही अच्छा डाला है, और बहुत ही अच्छी इनकी क्रीमी फ्रूट चाट है जी। अब देखें अंगूर भी जाएगा पेट के अंदर, माशाल्लाह जी। अल्लाह इनका जो हाथ का जायका है वो अल्लाह बरकरार रखे, बहुत ही माशाल्लाह अच्छा जायका है। तो मेरा ये आपसे सिलसिला है कि आप लोग ये निराला रिफ़्रेशमेंट सेंटर पे जो है ना ज़रूर आएँ, जब भी आप खानापुर की तरफ आएँ आपको यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार किस्म का टेस्ट मिलेगा, फ्रूट चाट का, क्रीमी दही बल्लों का, चना चाट का और गोलगप्पों का, बहुत ही अच्छा है। मुझे स्पेशली जो है ना वो फ्रूट चाट बहुत पसंद है, ये सही बताऊँ तो। और मुझे लग रहा है कि ये जो इन्होंने स्पेशल क्रीम डाली है ना इसका जायका है, तभी तो क्रीमी फ्रूट चाट नाम है इसका। साकिब भाई माशाल्लाह जो है ना आपके पास जो है ना वो सारा सिलसिला हमने चेक किया, बहुत ही अच्छा है। और सच्ची बताऊँ तो मुझे जो सबसे चीज़ बड़ी पसंद आई है ना वो एक तो जो घर के आपके बल्ले थे ना वो बड़े पसंद आए मुझे, उसके अलावा जो है ना वो आपने बर्गर जो बनाया वो मुझे बड़ा अच्छा लगा बर्गर में, और साथ में जो है ना मतलब पर्सनली मैं बता रहा हूँ एक जो यार बंदे का अपना टेस्ट होता है मैं अपना बता रहा हूँ, और उसके साथ मुझे जो है ना वो पसंद आया जो आपका रोल था वेज वाला रोल वो बड़ा अच्छा था। लेकिन माशाल्लाह आपने सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, अल्लाह पाक आपको बरकत डाले आपके कारोबार में, और अल्लाह ताला जो है ना यही जो है ना वो एक लेवल जो है ना टेस्ट का और सिलसिले का, सफाई का, बैठने के इंतजाम का अल्लाह ताला जो है ना यहीं तक रखे। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना बहुत शुक्रिया, जो हम हाज़िर होंगे ज़रूर इंशाल्लाह, जब आएंगे आपके पास हम जो है ना वो विंग्स और बारबेक्यू ट्राई करने के लिए फिर कभी हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, थैंक यू अल्लाह। तो दोस्तों हम मौजूद थे निराला रिफ़्रेशमेंट सेंटर पर, यहाँ पर हमने बड़े ही मज़ेदार किस्म के जो है ना वो बर्गर, समोसे, फ्रेंच फ्राइज, वेज रोल्स, शवारमा, चना चाट, उसके अलावा हमने ट्राई किया यहाँ पे दही बल्ले, स्पेशल बल्ले जो है ना इनके घर के बने हुए, और क्रीमी फ्रूट चाट। तो माशाल्लाह हमें सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, लेकिन स्पेशली मुझे जो पसंद आया था वो वेज रोल और बर्गर और क्रीमी फ्रूट चाट में जो है ना वो भी अच्छी थी, लेकिन मुझे सबसे उससे ज़्यादा मुझे दही जो बल्ले थे ना स्पेशली दही बल्लों के बल्ले जो बड़े पसंद आए थे। तो मेरा आपको यही रिकमेंडेशन है कि आप लोग यहाँ पर आएँ बाज़ार में, यहाँ पे आएँ तो जहाँ पे ज़रूर ट्राई करें। सारी चीज़ें लाजमी बात आप नहीं खा सकते, लेकिन कुछ ना कुछ आप उसमें ज़रूर ट्राई करें। मकबूल प्लाजा के बिल्कुल अपोजिट साइड है यहाँ इनका रिफ़्रेशमेंट सेंटर मौजूद है। तो मुझे अकील अफजल को नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर हम कभी मिलेंगे किसी स्ट्रीट फूड के किसी किनारे पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।